नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ स्टैंडर्ड 1, पेज नंबर 64। इन दिस पेज नंबर 64 टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग शेप्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेप्स बता देती हूँ, वो शेप्स आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये एक बुक लिया है मैंने। जैसे कि अभी हमारा जो बैंगल होता है, चूड़ी होती है, वो कौन से शेप में होती है? राउंड शेप में ना। तो इसको ही हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शेप को सर्कल कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक शेप और बता रही हूँ जिसको थ्री साइड्स होते हैं। थ्री साइड्स वाले शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा शेप है ये? ट्रायंगल, जिसको थ्री साइड्स होती है, 1, 2, 3। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल, ठीक है। अब जिसको फोर साइड्स होती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक शेप ले लिया, इसकी फोर साइड्स इक्वल होती है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर के जैसे ही फोर साइड्स का भी, इसमें फोर साइड्स होती है, 1, 2, 3, 4, बट ऑल साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें फोर साइड्स होती है और इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसे स्क्वायर कहा जाता है। अब ठीक उसी तरह फोर साइड्स वाला एक और है, जिसमें टू साइड्स ही इक्वल होती है बच्चों, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। हाँ, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है, यहाँ अपोजिट साइड्स, यहाँ की ये साइड और इस साइड की ये साइड, तो इसे कहते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का शेप है। और जैसे हमने सर्कल देखा ना, वैसे ही एक ये अंडाकार शेप होता है, इसे हम कहते हैं ओवल। यह कौन सा शेप है? ओवल। तो बच्चों ये सर्कल, इस शेप को कहते हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल। तो बच्चों ये शेप्स हो गए हमारे, हाँ ठीक है। ये कुछ कॉमन शेप्स हैं जिसे हमें पता होना चाहिए। इसे हम सर्कल, फिर से मैं बता दे रही हूँ, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शेप आप लोग ने ईंटें देखी हैं, ब्रिक्स जिससे हम घर बनाते हैं, और हमारे जो हमारी किताबें हैं वो भी रेक्टेंगल शेप की हैं। ओवल, इसको ओवल कहते हैं, अंडे का शेप, मतलब अंडे का शेप ऐसे ही होता है, इसे ओवल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये शेप्स जो हमने पढ़े उसी के ऊपर यह लेसन भी है, आइडेंटिफाइंग शेप्स। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल के शेप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। हम लोग को यहाँ पे शेप्स आइडेंटिफाई करना है, पहले ऑब्जर्व करना है शेप्स को। तो सबसे पहला आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यह जो है सर्कल शेप है। अब ये डिश है, डिश कौन से शेप की दिखाई पड़ रही है? तो बच्चों ये है ओवल शेप, जिसे मैंने कहा अंडाकार शेप, तो ये ओवल है। यह ट्रायंगल है, जिसमें तीन भुजाएं हैं, थ्री साइड्स है, वो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल हो गया। और ये जो सामने सामने की साइड्स इक्वल है, तो इसे रेक्टेंगल कहेंगे, ये भी रेक्टेंगल शेप है। बुक भी हमारी रेक्टेंगल शेप है, मोबाइल रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। डोर जो है वो रेक्टेंगल शेप है। और ट्रायंगल शेप में क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये टोपी है एक टाइप की, ये भी टोपी है, ये एक लंबी ऐसी है, लेकिन इसमें थ्री साइड्स है, हैंगर में भी थ्री साइड्स है, इसलिए इसको ट्रायंगल कहेंगे। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर ट्रायंगल में, ओवल में, सर्कल में, रेक्टेंगल में, हाँ, तो कुछ शेप्स दिए गए हैं जिसे हमें यहाँ पर लिखना है। और रेक्टेंगल और सॉरी आप लोगों को शायद यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम ही मीनिंग है, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा नहीं बताया गया है। जिसमें भी चार साइड है, हाँ, उसको ही स्क्वायर यहाँ पे बताया गया है, तो वो स्क्वायर के लिए
रेक्टेंगल का शेप भी स्क्वायर में चलेगा, ये शेप जिसको फोर साइड्स है वो भी हमें इंक्लूड करना है इसी में। तो अब हम पहले सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि सर्कल शेप के कितने थिंग्स हैं यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें जो सर्कल के शेप में हैं, और कितनी चीज़ें ट्रायंगल के शेप में हैं, कितनी चीज़ें स्क्वायर के शेप में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर बोला गया है तो हम स्क्वायर के शेप वाली चीज़ें काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बट यहाँ पे है, इस पे नंबर डालेंगे हम 1, मोबाइल भी है स्क्वायर शेप में 2, ठीक है, बुक है स्क्वायर शेप में 3, मोबाइल 4, बुक वापस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और कुछ रह गया? नहीं, फिर से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब यहाँ पर जितने भी शेप्स दिए गए हैं 11 शेप्स जो हैं वो स्क्वायर शेप में हैं, तो हम यहाँ पे 11 नंबर डाल देंगे, ठीक है। स्क्वायर शेप में कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पे वो हमें लिखना है, नंबर्स लिखना है, 11 शेप्स है हाँ अकॉर्डिंग टू स्क्वायर शेप। अब हमें ट्रायंगल शेप में ढूंढना है कि कितनी सारी वस्तुएं हमारी ट्रायंगल शेप में, तो बच्चों नंबरिंग करके हम करेंगे ना तो ये हमें डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा और हमारा रॉन्ग नहीं होगा। तो देखो ट्रायंगल शेप में एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब यहाँ पे हो गया ये हैंगर भी ट्रायंगल शेप में है 3, ठीक है। अब और क्या ट्रायंगल शेप में दिख रहा है हमें, 3 ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर से मैं कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये छूट गया हमारा 6, ये हो गया 7, 8, फिर से देखेंगे 7, 8, यहाँ पे 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, फिर से करते हैं कहीं कोई मिस ना हो गया हो, छूट भी सकता है, ठीक है। 1, 2, 3 करेक्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेरे ख्याल से तो 12 ही आ रहा है। तो हमारा ट्रायंगल शेप में कितना शेप्स आ गया, 12। अब बचा क्या, सर्कल। सर्कल में हमें ये ओवल शेप को भी सर्कल में ही इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को 5 शेप्स बताए थे उसमें भी हमने स्क्वायर में रेक्टेंगल को भी इंक्लूड किया था, वैसे यहाँ पे सर्कल में ओवल को इंक्लूड करना है, इतना ध्यान में रखिए। तो हमें चलेगा ये, इसको इसको सबको साथ में काउंट करना है, 1, 2 सर्कल, 1, 2, फिर अभी इस लाइन में 3, इस लाइन में 4, 5, फिर 6, फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे है 7, 8, 9 and 10। अगेन वी विल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स सर्कल कितने हो गए यहाँ पर, 10। तो अभी ऐसा है क्या जिसमें हमने नंबरिंग नहीं किया है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है? हमने सारे ऑब्जेक्ट में नंबरिंग किया है, इसका मतलब हमारे सारे ऑब्जेक्ट काउंट हो चुके हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। यदि कोई गलती बच्चों हो भी गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरे ख्याल से तो कोई गलती नहीं हुई है। तो इस तरह से हम ये शेप्स को आइडेंटिफाई हम लोग ने किया। अब बच्चों ये आप लोग भी अपने घर पे करके देखना, ठीक है। अब हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।